टाइम भी खत्म हो चुका है, जोन आपको आता होगा। पीडीसी के पूरी पूरी स्क्वाड को आईएनडी ट्रांस एक स्प्रे में खत्म करते हुए, दैट वाज इनक्रेडिबल मूवमेंट बाय आईएनडी ट्रांस टू बी ऑनेस्ट। अब जोन की जो रोटेशन का देखते हैं उनके पास क्या इक्विपमेंट है, क्या व्हीकल्स है, बिकॉज़ इस सिक्स सर्कल में व्हीकल प्लेयर यहाँ पे एक इजीली पिक ऑफ होते हुए स्काउट के द्वारा, एंड वहाँ पे आईएनडी के लिए तकलीफ, प्लेयर अपना रास्ता बना रहे थे। एक और बुलेट यहाँ पे क्रेटस को कनेक्ट होती तो स्काउट एक और प्लेयर को नॉक कर जाते हैं। आईएनडी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आई थिंक उनके जो प्लेयर नॉक हुए हैं उनको रिवाइव करने काफी करीब आ चुके हैं। एंड दलजीत और इधर फनाटिक ओएस का जो नेड आता है आईएनडी ट्रांस को नॉक कर देता है। क्रेटोस अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, ओआर और फनाटिक, और ये आईएनडी की फाइट में आई थिंक अब 3v3v1 की सिचुएशन रह चुकी है। फनाटिक भी थोड़ा सा आगे जाता हुआ यहाँ पे, आई थिंक थक भाई अगर एक नेड आता है तो काफी ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि पोजीशन काफी रिवील्ड हो चुकी है, लिमिटेड एरियाज है जहाँ पे आप कवर ले सकते हैं। या आई थिंक अगर ओआर के पास नेड है देन फनेटिक कुड बी इन रियल ट्रबल, बिकॉज मवी ने पहली बार जाके एक एक मूवमेंट और एक एक पोजीशनिंग दोनों टीम्स की रीड किया, फनेटिक के रीड किए थे, एंड इफ दे हैव नेड्स, बट आई थिंक ओआर इज आउट ऑफ यूटिलिटी, उनके पास थ्रोएबल्स नहीं है। यहाँ पे आप जैसे स्काउट पुश करना चाहेंगे डायरेक्टली क्रेटोस पे, राइट एंगल लेके अच्छा एंगल है, यहाँ पर उसको तो पता है क्रेटोस नहीं कहीं यहाँ पर अभी तक पहुंच नहीं कर रहे हैं, एंड यहाँ पे एंटो को पिकअप किया फनेटिक, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रेटोस चलाने का मौका नहीं दिया। मवी वहाँ पे एंटो पिकअप करते हुए डाउन, वी आर डाउन टू आई थिंक 2v2 सिचुएशन, एंटो वहाँ पिकअप किया जल्दी का ओपन में आते हुए स्काउट वहाँ पे आ रहा अपने राइट एंगल से उनको पिकअप करेंगे, इट्स गुड एंड मवी वर्सेस ओआर, बट नो इट्स फनेटिक कमिंग अप विद दैट अमेजिंग चिकन डिनर, आई थिंक 14 किल के साथ विद स्काउट गेटिंग दैट, सॉरी 13 किल्स विद स्काउट गेटिंग दैट 7 किल्स फॉर